मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 20, यूज ऑफ वेयर। वेयर का मींस क्या होता है? वेयर का मींस क्या होता है? कहां पे? वेयर का मींस कहां पे? क्या होता है वेयर का मींस? कहां पे? तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 20, जिसका नेम है यूज ऑफ वेयर। वेयर का मतलब कहां पे। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 20। वेयर इज द केक? वेयर इज द केक? वेयर इज द केक? केक कहां पे है? द केक इज ऑन द चेयर। द केक इज ऑन द चेयर। वेयर इज द केक? वेयर इज द केक? द केक इज ऑन द चेयर। वेयर इज द केक? केक कहां है? केक चेयर के ऊपर है। तो वेयर का मतलब क्या होता है? कहां पे? क्या होता है? कहां पे? वेयर इज द केक? द केक इज ऑन द चेयर। वेयर इज द जग? वेयर इज द जग? जग कहां पे है? द जग इज ऑन द टेबल। द जग इज द ऑन द टेबल। जग कहां है? टेबल के ऊपर। वेयर इज द केक? केक कहां है? द केक इज ऑन द चेयर। केक कहां है? चेयर के ऊपर। वेयर इज द जग? द जग इज ऑन द टेबल। जग कहां है? टेबल के ऊपर। वेयर इज द टॉय? वेयर इज द टॉय? वेयर इज द टॉय? टॉय कहां है? द टॉय इज ऑन द बेड। द टॉय इज ऑन द बेड। टॉय कहां है? बेड के ऊपर। वेयर इज द टॉय? वेयर इज द टॉय? द टॉय इज ऑन द बेड। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां पे? वेयर इज द टॉय? टॉय कहां है? द टॉय इज ऑन द बेड। टॉय कहां है? बेड के ऊपर। वेयर आर द बुक्स? वेयर आर द बुक्स? बुक्स कहां है? द बुक्स आर इन द बेड। इन द का मतलब अंदर। वेयर आर द बुक? सॉरी, बुक्स। बुक्स कहां है? द बुक्स आर इन द बेड। वेयर आर द बुक्स? द बुक्स आर इन द बेड। बुक्स कहां है? बेड के अंदर। कहां है? बेड के अंदर। वेयर इज द काउ? वेयर इज द काउ? द काउ इज अंडर द ट्री। वेयर इज द काउ? काउ कहां है? वेयर का मतलब कहां पे? कहां? वेयर इज द काउ? काउ कहां है? द काउ इज अंडर द ट्री। काउ कहां है? पेड़ के नीचे। कहां है? पेड़ के नीचे। वेयर इज द काउ? द काउ इज अंडर द ट्री। द काउ इज अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे। वेयर इज द फिश? फिश कहां है? वेयर इज द फिश? फिश कहां है? द फिश इज इन द पॉट। इन द फिश इन इज इन द पॉट। फिश कहां है? पॉट के अंदर। कहां है? पेड़ के अंदर।
वेयर इज द फिश? फिश कहाँ है? पेड़ के, सॉरी पॉट के अंदर। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप पढ़ोगे चैप्टर 20, जिसका क्या नेम है? यूज ऑफ वेयर। वेयर का मतलब कहाँ पे? यूज ऑफ वेयर। तो आज आप क्या पढ़ोगे? चैप्टर 20, यूज ऑफ वेयर। ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।